यार ये वाला जो है ना मेन इनका है हद तक चला जाऊं कि 30 इसने कर लिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रियान, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के सीन्स मैचेस को लेके होना है, बॉयज़ के मैचेस हैं। आई एम एमिरेट्स अरेना स्कॉटलैंड। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, सॉरी फॉर माई हेयर मेसी लुक, अभी भी उठे हैं यार, नाश्ता भी हाथ में पकड़ के मैं लेके जा रहा हूँ। तो इनके मैचेस हैं आज, ओके हैं ज़रा, तो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं। आवाम जा रही है, मैं दिखाता हूँ, अंदर के भी मैं सीन्स दिखाऊँगा। एंड अमार का ये साथ जा रहे हैं, सो अंदर चलते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, फर्स्ट एवर बॉयज़ का इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और दोनों में इकट्ठों की, लाइक इन दोनों की एक साथ एंट्री है। भाई साहब, आप कहाँ से खेल रहे हैं? फ्रॉम इंग्लैंड, राइट? और अमार साहब, आप किस चीज़ को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्कॉटलैंड। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल गेम्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। हु इज योर कोच? हु इज योर कोच? ये जा रहे हैं बॉयज, तैयारी में, फुल एक्शन में। मैं पाकिस्तान से खेलते सर इंटरनेशनल। ये देखें जी, एमिरेट्स अरेना। यार ये अंदर से इतना प्यारा है ना, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। हर जगह इन्होंने दुकान खोली होती है। ये है जी ग्लासगो स्कॉटलैंड 2023 गेम्स। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट सेल पे लगी हुई हैं। सेल नहीं मतलब महंगी हैं, बिकन ले रखी हैं ने, तो महंगी हैं। हेलो यार, ये वाला जो है ना मेन इनका है हॉल, बट ये वाला इन्होंने एथलेटिक्स के लिए भी रखा हुआ है। और क्योंकि इधर अभी इवेंट हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे सेटिंग नहीं की, मैट्स नहीं बिछाए हैं। इनके जो मैट्स हैं ना, इसके वहाँ पे जो लाइट आपको नज़र आ रही है, वहाँ से एंट्री है। और वहाँ से इन्होंने जो है ना एक फोर कोर्ट्स का, आई थिंक हाँ फोर कोर्ट्स का इन्होंने सेटअप किया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। बल्कि उधर जा ही रहे हैं हम, पहले अपने बैजेस पकड़ लें। अच्छा जी, तो अंदर आ गए हम। पहले तो हम लाइक अपना पास पकड़ रहे थे, बट मैं अभी भी ऑडियंस में ही बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। तो हमारे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ है, वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मेन वाइल मैं अपना नाश्ता करूँगा, एंड मैंने फिर उनकी तरफ ही जाना है। और सीन्स क्रेजी हैं, लेट मी शो यू। यार चेक करें, लाइक नॉर्मली वी यूज टू वॉच दीज प्लेयर्स ऑन यूट्यूब, या हम इनको देखते थे और टी वी पे लाइव स्ट्रीम में, इस तरह का कुछ ड्रीम अबाउट इट, कि यार कभी जाएंगे खेलेंगे इधर, या मतलब विटनेस करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इधर हियर वी आर, 20 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें मतलब फ्लैग्स वगैरह को अगर आप देखें तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। आई डोंट हैव टू टेक द नेम्स। तो अभी ये लोग मिक्स डबल से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉलोड बाई फिर मेन्स और वीमेन सिंगल्स भी होंगी। इट्स गुड, इट्स गुड। Amazing. That's why, like after 5 minutes, इसका मैच है, तो he's getting ready. और बस वार्म अप का एरिया, लाइक यहाँ पे अगर आप नॉकिंग शॉकिंग कर लो या स्ट्रेचिंग या जो भी सीन है। सो यार द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिना, और जो मुझे मतलब यहाँ के इंग्लिश कंट्रीज की लगती है ना, वो सामने ना बच्चे अपने एथलेटिक्स की वार्म अप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब एक इवेंट हो रहा है। और इतना बिजी इवेंट है कि ऑफिशियल्स और सारा मतलब अंदर ज़्यादा रश है, वो काम कर रहे हैं, बट उस चीज़ से ना इनकी ट्रेनिंग बच्चों की अगर आप देख सकते हैं, वो अपना कर रहे हैं, कोच उनके साथ है, बट वो इफेक्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कोई एक इवेंट होता है, अगर थोड़ा सा क्रिकेट को ले लें, सब कुछ बंद कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो मतलब चलें, एक रोज़गार के तो मसले अलग हैं ही हैं बेचारों की, जिनकी रेहड़ियाँ हैं, दिहाड़ियों वाले हैं, मजदूर हैं, वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो रह ही जाते हैं। बट बाकी एथलीट्स भी अफेक्ट होते हैं उन चीज़ों से। सो यहाँ पे इट्स लाइक क्वाइट गुड। अमार, आप पहला मैच जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, बस नहीं, बहुत खुशी है। अच्छा, और अगले मैच की थोड़ी वो भी है, कब है पता नहीं, कब है, फॉलोड बाय है। इधर देखो, अन्ना थोड़ा टफ मैच है, माशाल्लाह चंगा खेड़े मुंडा साडा, माशाल्लाह, गुड यार, गुड, दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड, थैंक यू। और अब कौन सा सेकंड राउंड है, मतलब क्वालीफाइंग है ना? इजी है, बट द थर्ड वन इज लाइक, बट ये थोड़ा टारगेटेड मैच था, ये थोड़ा मेन मैच था हमारा। चलो दैट्स गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वन। थैंक यू।
कहते हैं अगर तुम पूछो ना मारते तो मैं जीत जाता। क्या उन्हें यार मतीब मुबारक हो यार, इतना मुश्किल जो है तुम मैच खेल के तुमने नेदरलैंड्स के प्लेयर को फाइनल राउंड हरा के और स्कॉटलैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड मेन राउंड में आ गए हो, कैसा फील कर रहे हो? अमेजिंग। और भाई इतना मैच फंसा हुआ था कि लास्ट पॉइंट पे उसने वॉक ओवर दे दिए, मतलब के लव ऑल ओवर। कितने 625 थे ना एंड वाले सेट में, थर्ड सेट में कितने थे? और मुतीब मेन राउंड खेलने चले माशाल्लाह। अच्छी बात है, कल के लिए इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप का कटे आप किसी का काटो जो भी हो अच्छा ही हो। सो या डन फॉर टुडे, मैचेस ख़त्म हो गए और नाउ वी आर हेडिंग बैक। तो ये था आज का दिन, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और कल की अपडेट्स के साथ आता हूँ कि मुतीब का मैच जो मेन राउंड का उसका क्या बना। तो आज के लिए दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।